गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारा उस नंबर का मल्टीपल होता है। लेट अस सी, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 × 1 इज इक्वल टू 8। मतलब अगर हमें 8 का फर्स्ट मल्टीपल निकालना है तो हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज, सेकेंड मल्टीपल के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 2 इज इक्वल टू 16। ये जो 16 है ना, ये हमारा सेकेंड मल्टीपल है 8 का। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। क्या कहना चाहते हैं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 9 × 5 इज इक्वल टू 45। अब मैंने दो नंबरों को मल्टीप्लाई करा, 9 को और 5 को, तो क्या आंसर आया? 45 जो है ये दोनों का मल्टीपल है, 9 का भी 5 का भी। बेटा क्लियर हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है इज अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर। जिन दो नंबरों को मैंने मल्टीप्लाई करा है उन दोनों नंबर का वो मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल में ये चीज क्लियर करी है कि 9 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, जो 45 है वो दोनों का मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है। बेटा आप प्रॉपर्टीज देखिए मल्टीपल्स की, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना मल्टीपल तो होता ही है। सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1, और हर नंबर 1 का भी मल्टीपल होता है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे ही नंबर आते हैं, तो वो 1 का हर नंबर मल्टीपल हो गया। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालेंगे या तो वो मल्टीपल उस नंबर के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, लेस नहीं होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो मेरे को 7 के मल्टीपल निकालने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 अगर मैं निकाल रही हूँ तो पल्स ऑफ 7, अगर मैं 7 के मल्टीपल निकाल रही हूँ तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे? 7 × 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। आप देखिए 7 के मल्टीपल या तो 7 का इक्वल है या सारे के सारे 7 से ग्रेटर है, ठीक है ना। बेटा मल्टीपल्स में जिस भी नंबर के मल्टीपल्स पूछे जाते हैं ना, उस नंबर की टेबल होता है, ठीक है। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल वो खुद होता है। जैसे 7 का मैंने पहला मल्टीपल क्या है, 7 का मल्टीपल 7 खुद है, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, हम कितने भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मेरे को 7 के हम कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं, 7 × 4, 7 × 5, 7 × 6, हम उसको कितना भी कंटिन्यू कर सकते हैं, 700 था, है ना। तो इसीलिए देयर आर द इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, ठीक है बेटा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर एक्सरसाइज 3E। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। ए पार्ट देखिए, 15 × 12 इज इक्वल टू 180। 15 को इन्होंने 12 से मल्टीप्लाई करा, हमारा प्रोडक्ट आया 180। इसका मीन्स 15 × 12 इज इक्वल टू 180 मीन्स डैश इज द मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस, यानी 180 इज द मल्टीपल ऑफ 15 और 12, ठीक है बेटा। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 8 का फिफ्थ मल्टीपल निकालना है तो आप 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका फिफ्थ मल्टीपल निकला 40। इज इट क्लियर बेटा? एवरी नंबर, हर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल तो होता ही है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, और इटसेल्फ भी लिख सकते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द, सबसे छोटा नंबर क्या होता है, वो इटसेल्फ इज द नंबर इटसेल्फ।
बेटा ये वाला जो आपका सी वाला था, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन भी आ सकता है और एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ भी, अपन दोनों अपना भी मल्टीपल होता ही है वो, है ना। दोनों ही हमारे आंसर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। आपको पहले पांच मल्टीपल बताने हैं। मैंने सी पार्ट लिया है 15 के पहले फाइव मल्टीपल, तो वही 15 की टेबल देखिए आप। 15 का फर्स्ट मल्टीपल होगा 15 वन द 15, सेकेंड मल्टीपल 15 टू द 30, है ना। टू से मल्टीप्लाई करना है 15 को, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 45, फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। वही बेटा 15 की टेबल लिखनी है, फाइव तक फाइव मल्टीपल्स बताने थे, तो 15 वन था, 15 टू था, 15 थ्री था, 15 फोर था, 15 फाइव था। अच्छा बेटा अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आंसर यस और नो, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ए पार्ट है, इज 75 अ मल्टीपल ऑफ फाइव। उन्होंने पूछा है क्या 75 फाइव का मल्टीपल है। अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है तो वो उससे डिविजिबल भी होता है। आप देखिए क्या 75 फाइव से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो फाइव है। यूनिट यूनिट यानी वंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 75 इज फाइव। इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय फाइव। ये फाइव से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 75 जो है वो फाइव का मल्टीपल है। इज इट क्लियर बेटा? हैंस इसका मतलब, इट मीन्स या हैंस हैंस 75 इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव। गॉट इट बेटा? क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द टेंथ मल्टीपल ऑफ 15। आपको 15 का टेंथ मल्टीपल बताना है। टेंथ मल्टीपल निकालने के लिए 15 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150। ये हमारा टेंथ मल्टीपल निकल गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, राइट द फर्स्ट फाइव इवन मल्टीपल। अब ध्यान दो बेटा, इवन मल्टीपल बताने हैं फाइव की, तो पहले आप सारे फाइव के मल्टीपल लिखिए। फाइव के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? फाइव वन द फाइव, फाइव टू द 10, फाइव थ्री द 15, फाइव फोर द 20, फाइव फाइव द 25, फाइव सिक्स द 30, फाइव सेवन द 35, फाइव एट द 40, फाइव नाइन द 45, फाइव टेन द 50। अगर मुझे आगे जरूरत पड़ती तो मैं आगे भी करती, 55, 60, लेकिन हमें कितने निकालने हैं? फाइव इवन। अब फाइव जो है वो तो ऑड है, हमें इवन निकालने हैं। इवन देखिए, इवन कौन सा है? 10, 15 नहीं है, फिर 20, 25 भी नहीं है, 30, 35 भी ऑड है, मुझे खाली इवन सर्च करने हैं। आप इवन को सर्कल करते जाएं, 40, देन 50। हमारे फाइव मल्टीपल हो गए, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5। यस, तो आवर आंसर इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। इज इट क्लियर बेटा? ओके।